95, 96, 97, 99, 100% तक अगर आपको स्कोर करना है अपने एकेडमिक करियर में, अपने स्कूल लाइफ में, अपने एग्जाम में, या फिर आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो आपकी गोल्स होंगी, जैसे आपकी कॉलेज, आपकी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी क्रैक करना, कोई बड़ी जॉब क्रैक करना, या फिर जिंदगी में आपका कोई सपना होगा उसको क्रैक करना, तो उस चीज के लिए आपको एक प्लान की जरूरत पड़ती है, आपको एक टाइम टेबल, एक स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है जिसके सहारे सब चीज को आप फॉलो कर करके एक उस रास्ते तक पहुंचते हो। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बंदा आप जो देख रहे हो आज मल्टी मिलियनेयर है या फिर किसी बड़े बड़े पोस्ट पे है, वो एक दिन में वहां पहुंच गया। उसने अपने लाइफ में बहुत प्लानिंग करी होगी। जिसको भी आप देख रहे हो ना, जो भी आपका आइडल होगा, वो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ऐसे अपने पास्ट में उसने बहुत टाइम टेबल सेट करे होंगे जिसको फॉलो कर करके आज वो वहां तक पहुंचा है। तो आप कैसे अपनी टाइम टेबल डिसाइड करोगे, आप कैसे अपने लिए स्ट्रैटेजी एंड प्लान बनाओगे ताकि आप अपने गोल्स को क्रैक करो, उसके लिए आपको आज ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आज के वीडियो में आपको 5 से 6 ऐसी बातें, ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे प्लान बताऊंगा जिसके अनुसार आप अपना टाइम टेबल बनाओगे एंड अपने लाइफ में कुछ बड़ा फोड़ोगे, ये गारंटी देता हूं आपको। तो बस वीडियो एंड तक देखो, ठीक है? तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी रहेगी, सबसे पहली, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा डिबेट है टाइम टेबल को लेके, कि भैया हम लेट नाइट स्टडी करें या फिर अर्ली मॉर्निंग स्टडी करें, इसके ऊपर बहुत विवाद छिड़ी हुई है। एंड अक्सर आपने इंडियन फैमिली में, इंडियन पेरेंट्स को देखा होगा सुनते हुए, आपके भी मां बाप कहते होंगे कि बेटा सुबह सुबह पढ़ो, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, 4 बजे नहा लो, उसके बाद पढ़ो, तभी जिंदगी में कुछ उखाड़ पाओगे। देखो ये उनका कहना सही है, उनकी मेंटालिटी सही है, बट एक बात आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च भारत ही नहीं इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज है, बहुत ऐसे लोग हैं जो मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर लोग हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में बड़े बड़े चीजें करी है, वो लोग भी रात रात भर जग के अपनी काम किया है उन्होंने। मतलब रात रात भर, मतलब सुबह हो गई, सुबह का सूरज उनके सामने निकल रहा है, तब वो लोग जाके आज इस स्तर तक पहुंचे हैं। तो फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग रात में पढ़ रहे हैं या दिन में पढ़ रहे हैं, फर्क इतना पड़ रहा है कि वो दिन अपना खत्म करते करते, उनके लिए जो उनका दिन जिस टाइम पे खत्म हो रहा है, वो होने से पहले वो अपना टाइम एंड अपना काम कंप्लीट करके बैठे हैं। मतलब आपको अपना दिन खत्म करने से पहले, जब भी आपका दिन खत्म होता हो, जब भी आपको लगता हो कि अब मैं सोने जाऊंगा, चाहे वो आपकी कोई सी भी टाइम हो, रात के 10 बजे आप सोने जाओ या रात के 2 बजे सोने जाओ, आपका काम तब तक खत्म हो जाना चाहिए। मतलब जो गोल आपने सुबह सेट करा है कि आज मैं ये चीज पढ़ूंगा, ये चीज फोड़ूंगा, इतना सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ये मेरा काम कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको सोने से पहले वो चीज कंप्लीट करके ही सोना है। इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में गोल बना रहेगा, आप स्टिक रहोगे, अपने जो आपने अपने अंदर वैल्यू सेट करी है ना, कि कुछ हो जाए, आज का पूरा दिन जो होगा मैं इस चैप्टर को दूंगा, तो कितने भी बज जाए रात का आप उस चैप्टर को दोगे। बट देखो यहां पे एक चीज लागू होती है कि अगर आप अपने स्टूडेंट लाइफ में, देखो मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में रात में पढ़ा हूं, और अभी मैं जैसे प्रोफेशनली करियर में हूं, अपने लाइफ में अर्न कर रहा हूं, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हूं, अपने गोल्स को और अचीव करने के लिए आगे दौड़ रहा हूं, तो मैं अपने लाइफ में ऐसा होता है कि मैं रात रात भर बैठ के काम करता हूं, एंड कभी कभी सुबह के 5-6 बज जाते तब भी मैं काम करते रहता हूं, और उसके बाद सोने जाता हूं, एंड उसके बाद सुबह 10 बजे उठता हूं, 11 बजे उठता हूं, 5 से 6 घंटे की नींद लेके एंड फिर काम में लग जाता हूं। तो ये मेरा काम है कि मैं सोने से पहले अपना काम एनी हाउ कंप्लीट करता हूं। तो आपको भी ऐसा करना है, मगर आप अगर अपने स्टूडेंट लाइफ में, अपने स्कूल में हो, अपने कॉलेज में हो, तो मैक्सिमम आपको बाबू 2 बजे तक रात में सो जाना है। ऐसा क्यों 2 बजे तक सो जाना है, क्योंकि देखो अगर आप बहुत, मतलब 4-5 बजा दोगे सुबह के सोते सोते, तो उस समय क्या होगा, अगर आपकी सुबह कोई पढ़ाई होगी, कोचिंग होगी, क्लास होगी, तो वो छूट जाएगी, उसमें दिक्कत होगा। एंड अगर आप बहुत बहुत लेट तक सोओगे ना, तो इससे क्या होगा कि आप जब दोपहर को उठोगे, 12 बजे 1 बजे उठोगे, क्योंकि उससे पहले तो नींद खुलेगी नहीं, एंड समटाइम हमें इतनी आलस आ जाती है कि हम उठने का मन नहीं करता, क्योंकि आप रात भर पढ़ाई की हो, तो एक तो आपका डाइट, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह सब छूटता है इस टाइम पे, क्योंकि आपको उस समय ब्रेकफास्ट की जरूरत है आपके हेल्थ के लिए भी, ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे, सुबह का खाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में स्किप ना हो, सबसे पहली चीज। एंड दूसरी चीज, कि आपको बहुत डल फील होगा दोपहर में, लोग आसपास देखोगे उठ के सब अपना अपने काम पे चले गए, आप अभी उठ रहे हो, तो यहां पे ना थोड़ी लो मोटिवेशन होगी। इससे बढ़िया है रात में कभी भी पढ़ो, कितने बजे तक भी लेट नाइट स्टडी करो, मैक्सिमम 2 बजे सो जाना, 2 बजे तक पढ़ाई करो, नहीं तो 10 बजे अगर सोते हो तो सुबह 4 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अर्ली मॉर्निंग करो, आपको बहुत शांति मिलेगी। एंड रात में अगर आप 2 बजे तक भी पढ़ते हो ना, तो भी आपको शांति ही मिलेगी, सब लोग सोने चले गए होंगे, आप अकेले बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो 2 बजे तक मैक्सिमम अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर दो, टारगेट जितना आपको पढ़ना है 2 बजे तक पढ़ो, 2 बजे सोने के बाद आप मैक्सिमम उठ जाना 8 बजे 9 बजे, 9 बजे उठ जाना, 10 बजे पढ़ने फिर से बैठ जाना, अपना काम स्टार्ट कर देना, ठीक है ना, 1 घंटा इधर उधर फ्रेश होने के बाद। ओके, तो आपको स्टूडेंट लाइफ में 2 बजे एनी हाउ सो जाना है, चाहे आपका सुबह क्लास हो ना हो, 2 बजे आपकी मैक्सिमम लेट नाइट स्टडी चलनी चाहिए,
उससे ज्यादा नहीं। ओके, सेकंड नंबर जो आपके लिए प्लानिंग रहेगी, स्ट्रैटेजी रहेगी अपने स्टूडेंट लाइफ में, अगर आपको कुछ बड़ा फोड़ना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आपका सुबह स्टार्ट होता हो, जब भी आपका सुबह का दिन स्टार्ट होता हो, पहला आवर होता हो, जब आप अपने किताब खोलते हो, जब आप पढ़ने बैठते हो, तो उस टाइम कुछ नया शुरू करो। मतलब अगर आपका सुबह का पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से, अगर आप 8 बजे उठ के पहली बार पढ़ने जा रहे हो, उस दिन अपना दिन स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ाई से बुक खोल रहे हो, तो उस टाइम पे कुछ नया शुरू करो, नया चैप्टर शुरू करो, नया टॉपिक शुरू करो। उस चीज को मत शुरू करो जिस चीज को आपने रात में छोड़ा था उसी पॉइंट से, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा बोरिंग फील होगा। नया नया जब आप सुबह उठते हो, जब आप एकदम मतलब 6-7-8 घंटे के नींद के बाद उठते हो ना, तो आपके अंदर बहुत एनर्जी रहती है, आप खा पी के मतलब फ्रेश फील करते हो। उस समय आप कुछ नया शुरू करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत मोटिवेट होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये आपके अंदर का है, ठीक है ना, ये आपको ऐसा फील होगा। आप सुबह से उठोगे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, तो आप एक नया चीज शुरू करोगे ना तो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। एंड रात वाली चीज को अगर सेम कंटिन्यू करोगे ना वहीं से, तो समटाइम आप बोरिंग फील कर सकते हो, बशर्ते वो चीज आपकी मतलब उस समय डिमांड नहीं होनी चाहिए, नीड नहीं होनी चाहिए। मगर ऐसा अगर है कि आपको एग्जाम आ रही है, आपकी परसों एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, आपको वही टॉपिक पढ़ना ही है, तो उस समय तो वही पढ़ना है, वो आपकी प्रायोरिटी है। बट अभी आपकी क्लास चल रही है, अभी आपके पास लंबा समय है, अभी आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, आपका एग्जाम अभी तक नहीं आया है, आप अभी अपने क्लास के स्टार्ट समय में हो, तो आराम से पढ़ो, सुबह उठो, नया स्टार्ट करो। एंड जो तीसरी टिप है कि जब आपका दिन खत्म होने वाला हो, जब आप एकदम रात में हो, मान लो कि आपका रात खत्म होता है, दिन खत्म होता है रात के 12 बजे, रात के 12 बजे तक आप मैक्सिमम पढ़ते हो, तो 10 बजे के बाद उस टॉपिक को पढ़ो, उस चीज को पढ़ो जो चीज आपने पिछले दिन पढ़ा था, मतलब उसको रिवाइज करो। इससे क्या होगा, जो चीज आपने लास्ट छोड़ा था उसको रात में दोबारा कंटिन्यू करो, दिन के खत्म होने के बाद आपकी वो रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी आपके लिए फेमिलियर है, आपको नया टॉपिक शुरू करने की जरूरत नहीं है रात में, क्योंकि वैसे भी दिन भर पढ़ पढ़ के आलस आने लगता है अंदर, आप ऐसा सोचते हो कि ठीक है कितना पढ़ लिया, ये हो गया वो हो गया, तो रात में सोने से पहले चीजें रिवाइज करके सो, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो सुबह आज उस दिन जो सुबह सुबह नया चीज स्टार्ट किए थे, उसको फिर अगले दिन रात में रिवाइज करना, और अगले दिन फिर सुबह में कुछ नया, मतलब उसी चैप्टर, ऐसा नहीं कि हर दिन एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो नया नया, नहीं, उसी चैप्टर में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करो, उसी टॉपिक को लेकर मत बैठो सुबह सुबह जिस टॉपिक को रात में पढ़ रहे थे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करो, सेम चैप्टर में ही चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो, रात में लेट नाइट में सेम चीज को रिवाइज करना जो पिछले दिन पढ़े थे, एंड अर्ली मॉर्निंग जब आप उठ के पहला, जब दिन का पहला आवर पढ़ाई करोगे, फर्स्ट बार बुक खोलोगे, तो उस समय नया टॉपिक स्टार्ट करो, चाहे सेम चैप्टर ही क्यों ना हो, टॉपिक नया होना चाहिए जिससे आपकी इंटरेस्ट बरकरार रहेगी, करके देखना बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो अगेन एक आपके लिए टिप है कि आपको क्या करना है, आपको मिनिमम आवर्स ऑफ स्टडी सेट करनी पड़ेगी अपनी, कि मिनिमम मुझे इतने देर पढ़ना ही है। एंड मैं एज अ स्टूडेंट आपको बता रहा हूं कि मिनिमम नहीं भी तो 4 घंटे एटलीस्ट पढ़ो। अब आप बोलोगे भैया सिर्फ 4 घंटे, मैं आपको मिनिमम कह रहा हूं। पहले जो बच्चे यहां पे 4 घंटे मतलब सुनने के बाद ये सोच रहे कि 4 घंटा भैया इतना कम, तो बाबू एक बात बता दूं, 4 घंटे कम नहीं होते हैं। 4 घंटे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, 365 दिन पढ़ते हो, तो वो थोड़ा 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 जो स्टेप है ना, आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। बशर्ते अगर आप एक दिन 4 घंटे पढ़ोगे, दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ोगे, तीसरे दिन 20 घंटे पर हो गए, चौथे दिन फिर 1 घंटे 2 घंटे, इस तरीके से मतलब एकदम ऊपर चले जाओगे फिर नीचे आ जाओगे, ये बहुत गलत है, ये चीज मत करना। एक दिन 8 घंटा पढ़ा जम के, दूसरे दिन 10 घंटा पढ़ा, तीसरे दिन 1 घंटे पढ़ रहे, चौथे दिन पढ़ाई नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि मैंने ये सोच रहा हूं, मैं पहले 2 दिन तो मैंने 8 घंटे और 10 घंटे बहुत पढ़ लिया है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन बहुत पढ़ा है, मतलब 1 दिन मैं कम पढ़ूंगा तो चलेगा, ये मत करो। कंसिस्टेंसी से ऊपर जाओगे आप, ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप डेली एक जगह को ना हथौड़े से थोड़ा 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 फोड़ोगे ना, तो आराम से एक दिन जाके वो टूट जाएगा, बशर्ते कि एक दिन जोर से हथौड़ा मारा, दूसरे दिन रिलैक्स हो गए, ये मत करो। धीरे 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 स्टेप चढ़ोगे ना, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, जो स्लो मूवर होता है ना वो बहुत आगे तक जाता है, जो एकदम फास्ट जाता है ना बहुत एकदम रफ्तार से, वो उतनी जल्दी नीचे भी आता है, ये प्रकृति का नियम है, ये चीज मैंने कल की वीडियो में बोली थी आपको, ठीक है ना, ये मत करना। थोड़ा 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 4 घंटा पढ़ो एंड मिनिमम पढ़ो। एंड जिन बच्चों को 4 घंटे ऐसे बहुत लग रहा है कि भैया 4 घंटे जो एकदम लुल बच्चे जो पढ़ते नहीं है, मैं समझ सकता हूं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, तो बाबू 4 घंटे तो एटलीस्ट देने ही पड़ेंगे ना, अगर 4 घंटे भी नहीं दे सकते हो तो फिर क्या करोगे, फिर क्यों अपने गोल को अचीव कर रहे हो? क्योंकि कल को जब तुम ऑफिस में जाओगे, कल को जॉब करोगे, अपने बिजनेस खोलोगे, तो वहां पे तो 4 घंटे बहुत कम होंगे, वहां तो दिन के 10 घंटे देने पड़ेंगे तुम्हें, तो उस समय तुम क्या करोगे, है ना। तो अभी से एटलीस्ट 4 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ देना सीखो, फिर धीरे धीरे उसे आगे आगे बढ़ते चला जाना। ओके, उसके बाद जो आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं कि आप प्लीज अपने वीकेंड्स में, जो आप 4 घंटे हफ्ते के 5 दिन दोगे ना, अपने वीकेंड्स में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना स्टार्ट करो। 4 घंटे
घंटे तो दो ही हर दिन, सप्ते के सातों दिन, लेकिन वीकेंड्स में अगर आपके पास समय है, सैटरडे संडे आप घूम फिर के आते हो, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। ऐसे क्या होगा कि आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करोगे, है ना। ऐसे हम जिम में भी करते हैं, ऐसे जिम में जब हम बॉडी बनाने जाते हैं ना, तो हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने आपको अगर पुश करते हैं ना, तो आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, बशर्ते कि एक दिन आपने 20 किलो उठाया फिर उसके बाद लुल पड़ गए, वही बात है। तो जो वीकेंड्स होगी, जो हफ्ते के सातों दिन है उसको चार घंटे तो पढ़ा नहीं है, बट जो वीकेंड्स का जो दो दिन होगा, लास्ट का दो दिन, उसमें अगर आप थोड़ा आधा घंटा भी एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना, तो देखना एक दिन ऐसा आएगा कि आप हफ्ते के सातों दिन जो चार घंटे पढ़ रहे थे ना, उसको अब पुश करके पांच घंटे कर दोगे, क्योंकि आपकी लिमिट इंक्रीज कर गई होगी। तो आप अपने आप को वीकेंड्स में थोड़ा थोड़ा पुश कर सकते हो, सैटरडे संडे को, चलो संडे को ही, सैटरडे को छोड़ो, संडे को ही सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दोगे ना, जितना भी देर पढ़ रहे हो, चार घंटे, पांच घंटे, छह घंटे, थोड़ा ऊपर पुश करो, ठीक है। और एग्जाम का समय आए तो इसको आपको पता चलेगा, ये चीज आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कि एग्जाम में आपकी क्षमता बढ़ चुकी होगी पढ़ने की, आप उस समय चार के बदले आठ घंटे इजिली पढ़ पाओगे, है ना। लेकिन वही बच्चा है जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, वो एग्जाम के टाइम पे आठ घंटा फोकस कर ही नहीं पाएगा। अगर आप शुरू से चार चार घंटे हमेशा फोकस करोगे, चार घंटे, पांच घंटे, तो आपकी फोकस करने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगी। एंड लास्ट एक बात आपको मैं बता दूं, ये चीज मैंने भी फेस करी है, और ये चीज हर एक इंसान करना पड़ता है उसे, जिसे अपने लाइफ में ऊपर जाना है, और करते भी है लोग, जो भी आप जितने भी फेमस पर्सनालिटी देख रहे हो ना, सब अपने लाइफ में ये चीज करते हैं कि वो अननेसेसरी काम को अवॉइड करते हैं। मतलब आपको अगर ग्रो करना है, अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करना है, तो आपको अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, आपको टाइम है कि आप अभी दो घंटे पढ़ोगे, फिर आधे घंटे का रेस्ट लोगे, 15 का रेस्ट लोगे, फिर दो घंटे पढ़ने बैठोगे। अब बीच में क्या होगा कि बीच में आपको घर वाले बोल देंगे, जा बेटा सब्जी लेके आ जा मार्केट से। अब वो मार्केट जो है वो आपके घर से आधे घंटा दूर है, अब जाओगे आधा घंटा, हो गया आधा घंटा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पे मेरे बदले अगर कोई और जा सकता था, या फिर अगर आपको बोला जा रहा है कि कोई और काम कर ले, कपड़ा धो ले अभी बैठ के, बाद में ये करना वो करना, तो ये सारी जो अवॉइडेबल चीजें जो भी आपके हिसाब से लगती है कि इसे मैं अवॉइड कर सकता हूं, उसे प्लीज अवॉइड करो, क्योंकि सम टाइम आपको अननेसेसरी चीजों को बांट देना पड़ता है। आपको अपने दिन को ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको, ना कि आप अपनी इफिशियंसी और कम कर लो। तो अपने अननेसेसरी चीज है जो आपको लगता है, बोलो मम्मी को, बोलो पापा को कि पापा अभी ये चीज छोड़ देते ना, बाद में कर लेंगे, या किसी और से करवा लो, अभी मैं ये काम कर रहा हूं, तो आप वो काम तब तक करते रहो जब तक वो काम आपसे खत्म ना हो, जो चीज आपने डिसाइड करा है कि मैं ये चीज खत्म करके ही उठूंगा, तभी उठना। बीच में पापा सब्जी लाने बोल दे, मम्मी खाना ना दे तुम्हें, मम्मी ये ना करे वो ना करे, मत करो, मत सुनो, गेट बंद कर लो, गेट लॉक कर लो, तब तक मत उठो। आज भी मुझे जब अपना वीडियो बनाना होता है, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे कंटेंट लिखना होता है, स्क्रिप्ट लिखना होता है, उस बीच अगर मुझे कोई काम के लिए बोलते, उस बीच मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, कोई मुझे गाली देते रहे, कोई मुझसे लड़ ले, तब भी मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप अपना फोन को एयरप्लेन मोड पे डालूंगा और अपना काम करते रहूंगा, और तब तक करूंगा जब तक वीडियो नहीं खत्म हो जाए। ऐसा होता है, मेरी दोस्तों से लड़ाई हो जाए, मेरे घर वालों से लड़ाई हो जाए, बोलते रहे, चिल्लाने दो उन्हें, जो करना है करने दो, मैं अपना काम करके उठूंगा जब तक मैंने डिसाइड किया है, बीच में कितनी भी अननेसेसरी काम आ जाए मुझे नहीं फर्क पड़ता है। तो काम को खत्म करो, एट द एंड तक खत्म करो, अपने दिन के खत्म होने तक सब खत्म करो, उसके बाद अपने लाइफ में ये सब चीज जब तुम डेली करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो एक दिन तुम अपने लाइफ में वो चीज क्रैक करोगे जो तुमने सोचा था। आप अगर डिसाइड करोगे कि आज से दो साल बाद में इतना कमाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं आज से दो साल बाद आप उसका 10 गुना कमा रहे होंगे, ये चीज होगा। और ये चीज बहुत लोग के साथ होता है, जस्ट बिकॉज वो अपने लाइफ में ऐसी एक प्लानिंग सेट करते हैं। अपने आप से आप एक गोल सेट करो, अपने आप से कभी आप झूठ नहीं बोल सकते हो, हर किसी को चूतिया बना सकते हो, अपने आप को कभी नहीं चूतिया बना सकते हो, बिकॉज आप अपने आप की औकात को जानते हो, क्योंकि मैं भी अपने औकात को जानता हूं कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आप क्या करने वाले हो, इनमें से कौन सी चीज को फॉलो करने वाले हो, अपनी स्ट्रेटजीज को शेयर करो कमेंट बॉक्स में ताकि दूसरों को हेल्प हो। लव यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, फॉलो कर लेना, बाय।